तो हेलो दोस्तों, 17 एड वाले में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके पास आया हूँ एक नया प्रोडक्ट लेकर जो हमारे पास अभी डिलीवर हुआ है। ये देखिए, अभी मेरे पास जस्ट डिलीवर हुआ है मेरे नए ऑफिस में। तो अभी हम इसको खोलेंगे और देखते हैं इसमें कौन सा प्रोडक्ट अभी आया है। दोस्तों ये पूरा निकल गया है, अभी इसके अंदर एक और पैकेज है जिसके अंदर हमें फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा। थोड़ा सा टेप पूरा लगा के इसको सील किया हुआ है क्योंकि थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो उसके लिए थोड़ा सेफ्टी एक्स्ट्रा करके दी हुई है। ये देखिए बर्ड जो आजकल चले हुए हैं, ये देखिए इसमें पूरा इस तरह से है। अभी ये आपको जैसे पता ही है कि ये एड बनने के लिए आया हुआ है हमारे पास में। तो अभी हम इसका मॉडल वगैरह बनाएंगे, सारी चीजें इसका बनाएंगे हम, इसमें 3D में पूरा बनेगा। देन उसके बाद में ये हम अपने क्लाइंट को डिलीवर करेंगे, उसके बाद वो इनको यूज करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और अपने D2C वेबसाइट पे और अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, जहां पे भी वो इनको सेल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर इनकी फोटोग्राफी अगर वो करेंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। जैसे कि आपको पता ही है कि कैमरे से फोटो लेने में और 3D में बनाने में बहुत फर्क है। आपने बहुत सारी हमारी वीडियो भी देखी है, नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि क्या कितना डिफरेंस आ जाता है। तो उसी के लिए हमारे पास में मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और मोबाइल एक्सेसरीज का काफी ज्यादा आता है। तो देखिए अभी इस तरह से इसमें हम पूरा काम करेंगे। ये आप देख सकते हो, इसमें हर एंगल डिटेलिंग में आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे जब ये 3D में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको फाइनल पिक्चर्स आपको इसमें दिखाएंगे। तो आप देखिएगा कि कितना इसमें डिफरेंस आता है। तो दोस्तों जैसा हमने आपको दिखाया था कि हमारे पास एक ईयरबड का एक प्रोडक्ट आया था, तो उसका हमें 3D इमेजेस, 3D रेंडर, सारी चीजें उसमें 3D में बनाना था प्रोडक्ट विद टेक्सचर। तो आइए मैं आपको अपने स्टूडियो में ले आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, ये सारी इमेजेस हैं क्योंकि हमें पहले इमेजेस लेनी होती है क्योंकि स्कैन वगैरह करने के लिए। इनका लोगो हो गया, ये पूरा प्रोडक्ट है, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं ये पूरा, इसका चारों तरफ से हम इसका व्यूज में फोटोज लेते हैं किस तरह से लुक वाइज है। इसमें लाइट वगैरह का भी सारा चीज है, तो उनको सारी चीजें प्रॉपर चाहिए। जैसे इसमें क्या है, लाइट अभी बंद है, इसमें पूरी लाइट जल रही है। ये इनका साइड का जो आइकन रहेगा इसके ऊपर वो लगा हुआ है। ये प्रोडक्ट पे नहीं था लेकिन उन्होंने 3D में, उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि उसको फोटोज में चाहिए, ठीक है। तो अभी हम आपको ये सारी चीजें देखने के बाद में इसका देखिए आप डिटेलिंग में देख सकते हैं। ये इसका ईयरबड है, ये चीज है। अब हम इस पे दिखाएंगे आपको कि हमने पहले, सबसे पहले इसका मैशअप जो दिखाएंगे हम आपको 3D रे में, वो दिखाते हैं एक बार। ये देखिए, ये इस तरह से पूरा बना हुआ है, सेलेक्ट करो पूरा। ये देखिए आप, इसको जूम करो थोड़ा, ये देखो इसमें कितना डिटेलिंग में काम होता है, इसमें हर चीज पे काम होता है। जो इसमें पूरा रखने का पूरा इसमें साचा बना हुआ है, वो पूरा हमने सारी चीजें इसमें क्रिएट की है। ये देखिए आप, एक एक चीज इसमें मैन्युअली हुई है। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसका जो मॉडल व्यू है, मॉडल बनने के बाद कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये इसमें थोड़ा सा आपको अब आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का बना हुआ है ये। ये आप पूरा देख सकते हैं इसको हर व्यू से। इसमें लाइटिंग के लिए जो प्रॉपर जो चीज़ें बनी हुई है, मटेरियल है, वो सारा चीज़ें हमने इसमें बनाई हुई है ऑलरेडी। ये देखिए आप, अभी आपको इसमें जो टेक्सचर है और जो इसमें मटेरियल यूज हुआ है वो यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे आपको सारा सेम दिखेगा, लेकिन जब इस पर हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर दिखेगा कि किसमें कौन सा इसमें रबड़ है, वैक्यूम है और कहाँ पे इसमें ग्लास या प्लास्टिक का यूज है, तो वो चीज़ आपको सारी दिखेंगी। अभी आप एक बार इसमें टेक्सचर अप्लाई कीजिए। अब ये देखिए आप, यहाँ पे आपको लाइटिंग प्रॉपर दिख रही है। इसमें जो चार्जिंग के लिए जो पॉइंट्स होती है, जो इनकी ये जो चीजें रहती है, एक थोड़ा कॉपर टाइप में रहता है, ये देखिए आपको प्रॉपर दिखेंगी चीजें। अब ईयरबड दिखाइए आप एक बार, इसमें देखिए जो इस पे जो टेक्सचर अप्लाई हुआ है वो पूरा आपका बड वाला हुआ है क्योंकि बिल्कुल 3D में पूरा रियलिस्टिक बनता है पूरा, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि सोशल मीडिया में, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, सोशल मीडिया पे डालने के लिए अब इस तरह की ही इमेजेस चाहिए होती हैं, कैमरे से वो चीज नहीं आ पाती है, तो इसलिए 3D की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास काफी प्रोडक्ट है, मोबाइल एक्सेसरीज में काफी सारे प्रोडक्ट्स आते रहते हैं।
और अब तो FMCG का भी बहुत लोग इसी को ही कराते हैं, 90% लोग करा रहे हैं, सारी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी काफी टाइम से करा रही हैं। तो इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए और इस तरह के काम हमसे कराने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।